हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल पेपर फ्लूट। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक A4 शीट, न्यूज़पेपर, डेकोरेशन मटेरियल, स्टोन्स, पर्ल्स, थ्रेड, गम। इन सब चीज़ों से हम आज पेपर फ्लूट बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेंगे। न्यूज़पेपर को इस तरह से रोल करेंगे। रोल करते हुए हमें ट्यूब टाइप में इसे बनाकर गम से लास्ट कॉर्नर को पेस्ट कर लेना है। इस तरह से ट्यूब टाइप में हमारी न्यूज़पेपर को हमने रोल कर लिया है। ये इस तरह से अब इसके ऊपर रेड कलर की हम A4 शीट रोल कर रहे हैं न्यूज़पेपर के रोल के ऊपर से। इस तरह से रोल करते हुए हमें इसके ऊपर से पूरा रैप कर देना है। ये पूरी A4 शीट को न्यूज़पेपर की पेपर ट्यूब के ऊपर रोल कर देंगे इस तरह से। और जो एंड का कॉर्नर बचेगा उसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से कॉर्नर पे ग्लू लगाकर और इसे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फ्लूट का जो ट्यूब है तैयार हो चुकी है। इसे अब हम डेकोरेट करेंगे। ये हमने डेकोरेटिव जो स्टार्स आते हैं उस टाइप से रेडीमेड डेकोरेटिव स्टार्स टाइप में फ्लावर्स का शेप है ये, हमने यूज़ किया इसे डेकोरेट करने के लिए। ये हम इक्वल स्पेस देते हुए इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये फ्लूट के ऊपर जो होल्स होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हमने इस तरह से डेकोरेट किया है। अब इसके ऊपर हम छोटे रेड डॉट्स हमने जो पेपर के कटिंग करके निकाले हुए हैं वो हम इन फ्लावर्स के ऊपर पेस्ट करेंगे। रेड कलर का बिंदी टाइप हमने पेपर की कटिंग करके निकाले हुए हैं ये छोटे छोटे रेड डॉट्स। इस तरह से इन्हें पेस्ट कर दिया हमने। अब हम निडल और थ्रेड की हेल्प से इस तरह से लड़ी बनाकर तैयार करेंगे जो हम फ्लूट के कॉर्नर पे डेकोरेशन के तरह यूज़ करेंगे। हमने छोटे छोटे घुंघरू लिए हैं। इन्हें नीडल और थ्रेड की हेल्प से इस तरह से लड़ी पिरोकर तैयार कर लेना है हमें। अभी हमारी लड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे फ्लूट के ऊपर इस तरह से नॉट लगाते हुए फ्लूट के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हम एक दो बार घुमाते हुए से नॉट लगा लेंगे। अभी हम दूसरी लड़ी पिरोकर तैयार करने जा रहे हैं। हमें दो लड़ी बनानी है। एक हमने नॉट लगाने से पहले बनाई थी और उसे अटैच कर लिया। अब ये दूसरी लड़ी बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से पिरोते हुए एंड में छोटे छोटे दो घुंघरू अटैच करने हैं हमें। ये पूरी लड़ी इस तरह से तैयार कर लेंगे।
अभी हम लास्ट में दो घुंघरू अटैच करेंगे इसके साथ। अभी हमने लड़ी अटैच कर दी है, अभी डेकोरेटिव टेप से थ्रेड को कवर कर देंगे ऊपर से। जो लड़ी हमने लगाई थी उसकी जो थ्रेड है उसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि थ्रेड इसके अंदर कवर हो जाए। इस तरह से रैप करते हुए दूसरे एंड पे भी डेकोरेट करेंगे हम। अभी हमारी फ्लूट तैयार है।